एक चुनरी यात्रा निकाली। इसके बाद जिले के समस्त संविदा कर्मियों जरिए आयोजित की जनसुनवाई में पहुंचकर कलेक्टर को दिया मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया। और चुनरी यात्रा में ग्रामीण विकास विभाग, स्वास्थ्य विभाग, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क और विभाग महिला सशक्तिकरण, महिला बाल विकास, ई गवर्नेंस, लोक सेवा आदि के सभी संविदा कर्मी शामिल हुए। किससे आप जुड़े हुए हैं? हम संविदा संयुक्त संघर्ष मंच के सभी साथियों ने और संविदा कर्मचारियों के नियमितीकरण एवं जिन साथियों को बाहर निकाल दिया गया उनकी बहाली के लिए हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन दिया है। अभी आप जनसुनवाई में पहुंचे थे? जी हाँ। किसे ज्ञापन दिया आपने? माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम से ज्ञापन दिया है कलेक्टर साहब। आगे क्या रहेगी आपकी रणनीति पूरी मांगों को लेकर? जब तक हमारी मांगे नहीं मानती है सरकार, हम तब तक हड़ताल पर ही है, अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे। पश्चात हम अभी माता जी के दरबार में जाएंगे और उनसे प्रार्थना करेंगे कि माननीय मुख्यमंत्री जी को सद्बुद्धि दे। जबलपुर के चरगवा थाना अंतर्गत पुलिस आइस विल्ड्रेस के मजनूर की शामत बनकर आई। मामला स्कूल की छात्राओं को परेशान करने का है। आकाश ठाकुर और देवेंद्र पटेल नाम के युवक चरगवा स्थित हाई स्कूल के सामने खड़े होकर लड़कियों को छेड़ते थे, जिनसे परेशान स्कूल की कुछ छात्राओं काफी